यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, सुखी रखे माता। आप सभी के पास या आपके घर में घड़ी तो होगी ही, लेकिन क्या आप जानते हैं आपकी जिंदगी में अच्छा और बुरा दोनों तरह का समय लाने के पीछे घड़ी का अहम रोल हो सकता है। सोच में पड़ गए ना कि आखिर कैसे एक घड़ी हमारे सौभाग्य को दुर्भाग्य की कहानी गढ़ सकती है। आपके सभी कंफ्यूजन का हल आपको कहीं और नहीं सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिलने वाला है, तो कहीं मत जाइए क्योंकि आपको बताएंगे कि घड़ी का कैसे सही इस्तेमाल आपको रंग से राजा बना सकता है। इसके साथ साथ आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। लेकिन गुरुदेव, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि घर में घड़ी किस दिशा में लगानी चाहिए, वास्तु के अनुसार घड़ी कहाँ लगी होनी चाहिए। तो इसके लिए तो कहते मुझे दोनों ही जवाब देने पड़ेंगे कि कहाँ नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना। जन्म कुंडली के अंदर लाल किताब के अनुसार राहु के जो शुभ स्थान है वो है जन्म कुंडली का छठा घर और जन्म कुंडली का तीसरा घर। तो जन्म कुंडली का तीसरा घर यानी कि दक्षिण और जन्म कुंडली का छठा घर यानी कि उत्तर। तो आपका कमरा हो या आपका घर हो, हमेशा जो घड़ी है वो हमेशा उत्तर दिशा में या दक्षिण की दीवार पे ही लगे वो ज़्यादा उत्तम फल देती है। लेकिन जो राहु का सबसे खराब घर है जहाँ वो बहुत नुकसान देता है, वैसे तो राहु कई जगह नुकसान देता है लेकिन जो खास तौर पे वहाँ नुकसान ही करता है वो है घर की दक्षिण पूर्व साइड, यानी कि दक्षिण पूर्व के अंदर यानी कि जन्म कुंडली का 12वां घर, इसके अंदर राहु सबसे बुरा माना जाता है। खर्चे देता है, सोच देता है, काम को पूरा नहीं होने देता, बीमारियां दे देता है। तो इसीलिए भूल के भी घर के या कमरे के दक्षिण पूर्व के अंदर आपको घड़ी बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, वरना ये तकलीफ़ों का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी बात एक और भी आ जाती है कि घड़ी आपके लिए रखना शुभ भी है या नहीं है, क्योंकि राहु किसी का अच्छा हो तो आप उत्तर में लगाइए, आप दक्षिण में लगाइए, बहुत अच्छी रही। लेकिन अगर राहु ही जन्म कुंडली के अंदर बुरा है तो फिर आप चाहे उत्तर में लगाएं चाहे दक्षिण में लगाएं, आपके लिए अशुभ ही रहेगा। तो इसीलिए जब आप घड़ी खरीद के लाएं, आप बेशक इनकी दिशाओं में लगाएं, लेकिन उसके बाद इस चीज़ के ऊपर आप बिल्कुल वॉच रखिए कि उस घड़ी को लगाने के बाद लोगों से, भाइयों से धोखा तो नहीं मिल रहा। इसके साथ में आपके कामकाज के अंदर सफलता क्या पूरी आ रही है, या ऐसे में नौकर छोड़ छोड़ के तो नहीं जा रहे, या नौकर आपको धोखा तो नहीं दे रहे। ठीक है, अगर ये सिम्टम्स आपको नज़र आए तो आपके लिए घर पर दीवारों के ऊपर घड़ी लगाना, और भले ही उत्तर में हो चाहे वो दक्षिण में हो या किसी और तरफ हो, आपको घर के अंदर घड़ी बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, ये बहुत बहुत अशुभ हो जाता है। गुरुदेव, जैसे देखा गया एक ही घर में बहुत सारी घड़ियां होती हैं, तो ये सही है या नहीं? बेटा, घर के अंदर अगर दो मेंबर भी ऐसे हैं जिनका राहु शुभ है और उसके बाद भले ही 10 और हों, ठीक है, तो ऐसे में घड़ी लगाना शुभता दे ही देता है, वो नुकसान नहीं देता। लेकिन अगर ऐसा भी होता है कि घर के अंदर 5 मेंबर है लेकिन 5ों का राहु खराब है, ऐसी अवस्था के अंदर घड़ियों का रखना बहुत बड़ी अशुभता देता है और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम में धोखे और ये बंद ही नहीं होते और कार्य सिद्धि के अंदर अक्सर दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए अब घड़ी है भी मामूली सी चीज़, 100 रुपये से लेकर के और लाखों रुपये तक मिलती है, ठीक है ना। तो लेकर ये इतनी कम पूंजी के अंदर मिलने वाली चीज़ है कि आदमी शौकिया तौर पे रख लेता, जरूरत भी होती है, आजकल टाइम देख करके चलने का समय भी है, ठीक है। तो लेकिन अगर अपने आप को सूट ना करती हो तो घड़ी अपने घर में ना हो तो ये आपके लिए ज़्यादा होता है। चर्चा जारी रहेगी, सबसे पहले बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। आज दिन मेष राशि वालों का अच्छा है।
क्योंकि आज हर तरह से शारीरिक और मानसिक क्षमताएं साथ देंगी और परिवार और मित्रों का सुख और सहयोग भी मिलेगा। तो हर तरह से उत्तम दिन जाने वाला है। बस चांदी का चकोर टुकड़ा जेब में रखें और मंदिर जाकर परमात्मा को प्रणाम करके तब दिन की शुरुआत करें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों का आज दिन खराब है। आज परिवार में ही लड़ाई झगड़ा क्लेश, किसी के साथ मन मुटाव और उससे पूरा ही दिन बिगड़ने वाला है और इसीलिए थोड़ी पत्तेदार सब्जियां मंदिर में देकर तब दिन की शुरुआत करें और थोड़ा धैर्य से दिन बिताएं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लोग परिवार से सुख और सहयोग लेकर के जो भी आज कार्य करने वाले उन सब में ही सफलता है। कुल मिलाकर के हंसी खुशी का दिन है, सफलता का दिन है। बस परमात्मा को कुछ मीठा अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, मेरा आपसे सवाल है, कलाई में पहनने वाली घड़ी क्या वो शुभ होती है या अशुभ? तो इसको, जो कलाई में हम घड़ी पहनते हैं, कोई रंगों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए या नहीं? बहुत ज़्यादा, बहुत अहम क्वेश्चन है बेटा। मेरा राहु शुभ है और मेरे पास एक से एक, यानी दुनिया के अंदर जो बेस्ट मानी जाती है, वो सारी घड़ियाँ मेरे पास हैं, लेकिन मैं पहनता नहीं। उसका कारण ये है कि मेरा काम एक ब्राह्मण का काम है, एक गुरु का काम है, एक ज्ञान का काम है। तो ज्ञान को हमेशा डिस्टर्ब करने का काम घड़ी करती है, ठीक है? आपने अगर प्लान करना है, टेक्नोलॉजी के अंदर आप काम करते हैं, सिग्नल्स के अंदर काम करते हैं, आप स्टूडियो से संबंधित काम करते हैं, आप एक्टिंग से संबंधित काम करते हैं, आप व्यापार करते हैं, तो आपको घड़ी जरूर बांधनी चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर आप मास्टर हैं, अध्यापक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, समझिए, और गुरुओं वाला ज्ञान देते हैं जिस भी मर्जी फील्ड में, तो आपको घड़ी बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति और राहु का मेल इंसान के ज्ञान में कमी, आधा अधूरा ज्ञान बांट करके उसके अंदर तकलीफ पैदा कर देता है, ठीक है? तो ये चीज़। लेकिन जो तुम कलर की बात कह रही हो, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। मेरे पास में बिल्कुल सारी घड़ियां हैं, लेकिन उसके अंदर मेरे पास में पीले रंग की घड़ी नहीं है, यानी गोल्डन कलर। कारण क्या है? बृहस्पति और राहु का मेल बुरा होता है, लेकिन राहु जब भी कभी उच्च स्थानों पे, जो मेरा उच्च का ही बैठा है, राहु जब भी उच्च स्थानों पे बैठा हो लेकिन उसके साथ में सूर्य या बृहस्पति का मेल हो जाए, ये सबसे अशुभ माना जाता है। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी का काम करने वाले हों, व्यापारी हों, किसी भी तरह के सिग्नल के, स्टूडियो के, सुंदरता से संबंधित, या ये इवेंट ऑर्गेनाइजर हों, कोई भी हो, इनको मैरून कलर के डायल की घड़ी और गोल्डन कलर की घड़ी ये नहीं पहननी चाहिए। जो बच्चे टेक्निकल काम करते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनाना, वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना, ये सारे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी काम करते हैं, उनको ब्लू डायल की घड़ी पहनना सर्वोत्तम है, ठीक है? ब्लू कलर उनकी घड़ी में होना चाहिए। और जो व्यापार करते हैं, उनकी घड़ी ब्लू कलर की, मैरून कलर की और येलो कलर की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, समझे? इतना भी अगर ख्याल रख करके चलेंगे तो ये घड़ी ऑलवेज शुभ फल देगी। पर गुरुदेव, कुछ होते हैं शौकिया तौर पे हम कुछ भी पहन लेते हैं, तो ये भी दुष्प्रभाव दे सकता है? तो कोई बात नहीं बेटा, शौक के अंदर ही दुख आता है, शौक के अंदर ही एक्सीडेंट होते हैं, शौक के अंदर ही आदमी मारा जाता है, तो फिर शौक तो झेलना ही पड़ेगा। तो इसीलिए किसी भी चीज के अगर हम लॉजिक को समझ के चलेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। शौक में, यानी कि अनजाने में, यानी कि जानकारी के अभाव में बेटा अक्सर नुकसान हो ही जाएगा। इतनी सटीक जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिलेगी। और अब बात करेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए पूरी तरह से दिन शुभ है। कामकाज पे जाएंगे तो वहाँ शुभता, वहाँ पर कामयाबी, और उसके बाद शाम को घर पे आएंगे तो खुशी का माहौल, ठीक है? वो दोस्तों के यहाँ भी हो सकता है, अपने घर पर भी खुशी का माहौल हो सकता है। बस अगर हो सके थोड़े से चावल मंदिर में अर्पित करें। सिंह राशि, सिंह राशि के लोग चाहे बच्चे हों या बड़े, अगर सुबह ही थोड़े मन मुटाव से, चिड़चिड़ेपन से दिन की शुरुआत करी तो आज का दिन खराब होने वाला है, चाहे कामकाज हो और चाहे लिखाई पढ़ाई हो, ठीक है? तो इसीलिए खुशी से
पॉजिटिव सोचते हुए दिन की शुरुआत करें और मंदिर में कुछ दूध अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। कन्या राशि, कन्या राशि वालों को आज जो भी कार्य करने हो अगर घर के बुजुर्गों से सलाह लेकर के करेंगे तो उसमें कामयाबी है और दिन तो शुभ लिखा ही हुआ है, तो बड़ों का ही आशीर्वाद लें और दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल है, घड़ी को गिफ्ट में देना या घड़ी गिफ्ट में मिलना कितना शुभ है कितना अशुभ है? मेरे पास आज तक घड़ियाँ बहुत गिफ्ट आई हैं लेकिन मैंने कभी किसी को दी नहीं। उसके पीछे एक लॉजिक है लाल किताब का, वो क्या कहता है, कहता है जो ग्रह आपका शुभ हो उसकी वस्तुओं का दान देना आपको कंगाल बना सकता है, आपके ज्ञान को आपकी काबिलियत को छीन के आपको बहुत खराब कर देगा। इसीलिए जिनका राहु शुभ है, जो आप एस्ट्रो साइंस ऐप पर जाकर के देख सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बर्थ प्लेस डालकर के जो पहला ही पेज खुलता है वहां पर सामने नीचे जन्म कुंडली के नीचे कॉलम आता है आपके शुभ ग्रह आपके अशुभ ग्रह, ये देखने बहुत जरूरी है और वहां जाकर के देखिए, वहां से डिसीजन लीजिए। अगर आपका राहु अशुभ है तो आपको अक्सर शादी विवाह पार्टी किसी के भी जन्मदिन पे ऊपर घड़ी दे देनी चाहिए और गिफ्ट देनी चाहिए। और अगर आपका राहु शुभ है तो आपको भूल के भी किसी को घड़ी नहीं देनी है गिफ्ट के रूप में, बल्कि आपको जो घड़ी गिफ्ट करने आए आप उसे परमात्मा समझो। जैसे वो लाफिंग बुद्धा है कि वो किसी के घर पे आता है, कहते नहीं खरीद के नहीं लाना चाहिए, अगर कोई दे दे तो अच्छा है। तो बेटा जिनका राहु शुभ है उनके लिए लाफिंग बुद्धा से भी ऊपर काम करेगी ये घड़ी का गिफ्ट आना, यानी कि आपको और समृद्ध, आपकी बुद्धि को और अच्छा प्रगाढ़ बनाएगा और उस बुद्धि के द्वारा आप दुनिया की जंग तक जीत लेंगे सारी। तो इसलिए शुभ राहु वालों को गिफ्ट घड़ी का लेना चाहिए, देना नहीं चाहिए, और अशुभ राहु वालों को घड़ी का गिफ्ट देना चाहिए, लेना बिल्कुल नहीं चाहिए। चलिए बात करते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि के लोग आज कुछ कपूर की टिक्कियां मंदिर में अर्पित करके माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेते हैं तो दिन पहले ही शुभ है और बहुत सारी शुभता बढ़ेगी आपके लिए। कार्यक्षेत्र में, आत्मविश्वास में, किसी कार्य को पूरा करना हो, परिवार के साथ वक्त बिताना हो, परिवार के काम आना हो, हर तरह से दिन शुभ जाएगा। वृश्चिक राशि के लोग भी आज अगर सुबह सुबह कन्या पूजन कर लेते हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं, तो आपका भी हर तरह से कामकाज, गृहस्थी और किसी भी कार्य में सफलता पानी हो, हर तरह से दिन शुभ हो जाएगा। धनु राशि वालों को आज कोई शुभ समाचार मिलने वाले हैं, कुछ ना कुछ शुभ होने वाला है और इसके साथ ही कार्यक्षेत्र में भी अच्छा सुख सुकून लिखा हुआ है, परिवार वालों के लिए भी सुख सुकून लिखा हुआ है। तो आज तो मीठा बांटने का दिन है, कुछ भी पीली मिठाई अगर मंदिर में दे दे या चने की दाल मंदिर में देकर तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, घर में टूटी फूटी पुरानी घड़ियां रखना कितना अशुभ फल दे सकता है, इसके बारे में बताएं। पहले मैं अपनी पर्सनल लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जब मैं ज्योतिष सीख रहा था, मेरी उम्र तब 14-15 साल की थी, तो मेरे दादी जी की डेथ हो गई थी जब मैं 12 साल का था। तो मेरी दादी जी जब इंग्लैंड गई थी तो वहाँ से वो एक टाइम पीस लेके आई थी, और वो जो टाइम पीस था तो उसकी जो घड़ी थी वो मेरे को बहुत प्रिय थी। लेकिन जब मैंने इसको सीखा, ठीक है, ज्योतिष को सीखा, तो सबसे पहले वो बार बार ख़राब होने वाले टाइम पीस को उठाकर मैंने गंदे नाले में फेंका, और बाद में मैंने अपने गुरुजी से जाके पूछा कि मैंने ऐसा किया, तो उन्होंने मुझे शाबाश दी। तो इसीलिए बेटा घर के अंदर बंद घड़ी, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, आपका राहु शुभ हो या अशुभ हो, या किसी भी सूरत में नहीं रखने चाहिए। अगर आप बंद घड़ी, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान रखते हैं तो ये आपके भाग्य को बहुत ही बुरे हालात तक लेकर के जाता है, आपको गरीब बनाता है, आपको समय पर समझ नहीं आने देता और घर में बीमारियां देता है और क्लेश देता है। तो इसीलिए बंद घड़ी, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान घर में बिल्कुल नहीं रखना। तो गुरुदेव, इनको निकाल, कुछ लोग होते हैं बड़े मोह में आते हैं, ऐसी चीज़ें अपने पास रखते हैं, मेरा गिफ्ट है, मुझे वो पुरानी यादें हमारी जोड़ी हैं, रखते हैं, तो क्या करें? बेटा खुली बुद्धि का इंसान ये जीवन में तरक्की करता है,
कहते हैं, कौन है जो वक्त की चक्की को रोक पाएगा, वक्त के सांचे में ढलने वाला बढ़ता जाएगा। और वक्त पे अगर कोई ढंग का ज्ञान मिल रहा है, अगर आप उसे अडॉप्ट ही नहीं करोगे तो हम क्या कर सकते, फिर आपकी किस्मत है, ठीक है ना। तो मैंने तो अपना एग्जाम्पल सबसे पहले दिया कि मेरे को मेरी दादी जी भी प्रिय थी, उनकी लाई हुई घड़ी भी प्रिय थी, और मैं उसे बार बार ठीक करवा के अपने ही पास रखता था। लेकिन जिस दिन मुझे इसका ज्ञान हुआ, मैंने सबसे पहले वो टाइमपीस उठा करके गंदे नाले में फेंका, ठीक है। और अगर एक गुरु ये काम कर सकता है तो आपको भी ज़रूर कर लेना चाहिए अपनी अच्छी किस्मत के लिए, क्योंकि सदियों से, ये दशकों से, सदियों से बेटा जिंदगी तो बनती आई है, मिटती आई है। और आपको पता है, आत्मा कभी नहीं मरती, श्री कृष्ण जी ने कहा है, वो तो फिर लौट के वापस आती है। तो काहे को चीज़ों से प्यार करना, किसी न किसी जन्म में घूमती हुई वही आत्मा आपको फिर मिल जानी है। तो खामखाई चीज़ों से प्यार मत करिए, उन आत्माओं से प्यार करिए। बहुत खूब बात। अब हो गई मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि के लोग आज अगर दूध या खोए की मिठाई मंदिर में देकर शुरुआत करते हैं तो दिन हर तरह से उत्तम जाने वाला है। खुशी भरा कोई ना कोई माहौल भी मिल सकता है। आप दूसरों पर प्रभाव डालें, अपनी वाणी का प्रभाव डालें, अपने काम का प्रभाव डालें, यानी कि दूसरों पर प्रभाव डालने का दिन है आज, तो हर तरह से खुशियों भरा दिन होगा। कुंभ राशि वालों के लिए भी आज ऐसा ही है। दूध या कोई खोए की मिठाई मंदिर में देकर शुरुआत करते हैं तो आज के दिन हर काम के अंदर लगभग सफलता लिखी हुई है और खुशियों भरा माहौल आज आपको दिन में एक बार दो बार मिलेगा, ये भी आपके लिए शुभ है। मीन राशि वालों को आज बड़ के पेड़ पर दूध पानी चढ़ाकर तब दिन की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आज स्वास्थ्य के लिए और स्वभाव के लिए दोनों के लिए ठीक नहीं है दिन, और कामकाज में ऊपर नीचे की स्थितियों का दिन है। तो अपने पे विश्वास बना करके रखें और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। गुरुदेव, कभी कभी हमारी घड़ी समय से आगे भाग जाती है, कभी कभी हमारी घड़ी समय से पीछे चल रही होती है, तो ये किसी अनहोनी घटना का संकेत है क्या? बिल्कुल, ये संकेत ही होते हैं बेटा। जब आपकी घड़ी समय पीछे का दिखाने लगे, यानी कि हर दो तीन दिन के अंदर उसकी सुई को सेट करना पड़े और घड़ी पीछे का समय दिखाए, 2 मिनट 5 मिनट पीछे हो जाती है, ये आपका समय शुभ नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इस वक्त में कोई भी बड़ा काम ना करें। इस वक्त के अंदर पैसा लगा करके, ज़्यादा पैसा लगा करके जो कार्य करने हैं उनके अंदर तकलीफ आएगी। कोई भी नया प्रोजेक्ट, कोई भी नई चीज़ तुम लॉन्च करने वाले हो, उसमें तकलीफें आएंगी और आपका हर काम अटक अटक के और ज़्यादा पैसा खर्च हो करके ही होगा, जब घड़ी पीछे चलती है। और जब घड़ी आगे चलती है तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा ये शुभ संकेत तो हैं, लेकिन इसके अंदर खास तौर पे संदेश ये छुपा हुआ है कि कहीं दौड़ इतनी ज़्यादा मत लगा देना कि ठोकर खा करके गिर जाओ। कारण ये कि आगे भी चलती है तो समय गलत बताती है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में इसमें संकेत ये होता है कि वक्त पॉजिटिव है, लेकिन ठहराव के साथ, समझदारी के साथ आप अपने नए कामों को अंजाम दीजिए, कम खर्चे करते हुए नए कामों को अंजाम दीजिए, आपके लिए समय शुभ है। लेकिन अगर कहीं ये हुआ कि नहीं, मैं तो जीत जाऊंगा, मैं तो ये सारा पार कर जाऊंगा, पूरी दुनिया को खा जाऊंगा, मैं ये भी कमा लूंगा, वो भी कमा लूंगा, इसके अंदर शुरुआत में काम तो कुछ अच्छे होते हैं लेकिन आगे जाके आदमी ठोकर खा करके गिर ही जाता है। जैसे एक कामयाब इंसान जो बहुत ज़्यादा कामयाबी पा जाए, उठ जाए, और उसके बाद उसके दुश्मन पैदा हो जाए या उनको कामों के अंदर गलतियाँ निकाल के उसको निकाल के एक बाल की तरह रख लिया जाए बाहर, तो ये इसी सिम्टम से पैदा होता है। उसकी घड़ी आगे चलती है और वो तेज़ी के साथ दौड़ता है, लेकिन उसका दौड़ना, उसका करना उसके साथ वालों को पसंद नहीं आता, उसकी वजह से पैसे, काम और हालात की चोट खाता है। तो इस सिम्टम्स को ज़रूर जांच लें। मुझे अक्सर देखा है कुछ लोग समय पर पहुंचने के लिए कहीं भी वो घड़ी को 5 मिनट 10 मिनट या अपनी सुविधा के अनुसार आगे कर लेते हैं, तो ये सही है या नहीं? ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। हमेशा घड़ी को 2-4-5 मिनट आगे ही रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो इंसान भी ये काम करके चलता है वो समय का बड़ा पाबंद होता है और समय पे काम करना उसकी खूबी होती है, ठीक है। और ऐसे इंसान दिन के अंदर कम से कम 10 बार घड़ी ज़रूर देखता है, ठीक है। तो ये वाली काबिलियत आप अपने अंदर अगर पैदा भी कर लें
और नहीं है तो पैदा भी कर लें तो ये आपके लिए बहुत 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 शुभ रहेगा। और घड़ी को ऑलवेज 2, 3, 4, 5 मिनट अगर आप आगे रखते हैं तो ये आपके लिए अति शुभ कार्य। एक सवाल आ रहा है मेरा गुरुदेव, घड़ी रुक जाए तो ये किस अनहोनी का संकेत है? घड़ी रुक जाए, खासतौर पर घड़ियाँ रुकती कौन सी हैं? एक तो निकलती जो वो अपनी नस से चलती है, ठीक है, ये वाली घड़ियाँ घर पे नहीं रखनी चाहिए। ये घड़ी समय रुका हुआ बेटा ये अच्छा नहीं होता, और ये वैसे भी राहु रुके हुए को मानता, राहु बोलते हैं विचार को, विचार आते रहे तो अच्छा, विचार रुक जाए तो सबसे ज़्यादा नीरस जीवन बन जाता है, तो इसीलिए ये घड़ी घर पे नहीं रखनी चाहिए। दूसरा होता है सेल ख़त्म हो गए या कोई उसमें खराबी आ गई या कुछ ऐसे सुई ही टूट गई, ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये खराब राहु के सिम्टम्स होते हैं। और ये होता कब है? जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद के लाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक का कचरा आपके घर के अंदर आने लगता है या आप किसी पे शक वहम करने लगते हैं, राहु आपको तंग करने लगता है समझिए और गुस्सा ज़्यादा करवाने लगता है, तब घड़ी रुकती है, तब घड़ी खराब होती है। तो घड़ी का रुकने ने तो आपको तय कर दिया कि आपका समय खराब है, लेकिन आप उसमें सेल डलवाएं या बाकी का उसको ठीक करवाएं, रिपेयर हो जाएगी। लेकिन इसके साथ में आपको हर सूरत में उन दिनों में कुत्ते और कौओं की सेवा ज़रूर दर ज़रूर करनी चाहिए। जो अंग भंग भिखारी होते हैं, जो मांग कर के खाते हैं, उनको जलेबी लड्डू सबके जिनके अंदर रस भरा हुआ होता है, बूंदी वाले लड्डू, ये ज़रूर खिलाने शुरू कर देने चाहिए, या हाथी को गन्ने खिलाएं या हाथी को मूलियाँ खिलाएं। इन दिनों के अंदर अगर आप ये करते हैं तो इधर घड़ी भी नहीं रुकेगी, उधर आपका जीवन भी नहीं रुकेगा, सारा जीवन बहुत अच्छा खुशहाली की तरफ। उम्मीद करते हैं अब आपकी घड़ी आपके लिए हमेशा अच्छा ही समय लेकर आएगी। और अगर आप ये जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 9999905222 पर। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।